हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक स्टॉक से रिलेटेड, एक्चुअली बात दो स्टॉक्स की होगी बट एक पे हमारा ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा क्योंकि उसमें आपको 14% की गेन आपको मिलती हुई नज़र आएगी। तो कौन सा शेयर है और क्या इसके पीछे रीज़न है, तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं। बट बिफोर दैट, वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। और हमारा जो मिशन है, ओके, $1 million का हर एक के पोर्टफोलियो में होने चाहिए, उसकी तरफ हम कभी कब बढ़ते रहे। तो देखिए, उससे पहले हम आगे बढ़े वीडियो में, आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले थैंक यू सो मच अगेन कि हमारा 1000 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और हमारा जो टारगेट है, ओके, 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स के है। एज वेल एज बात करें हर एक के पोर्टफोलियो में $1 million का जो मिशन है, ओके, आज से हमारा शुरू होता है और आज से हम अलग अलग तरीके की स्टडी करके हर एक के पोर्टफोलियो जो भी हमारे सब्सक्राइबर है, ओके, आगे चल के जो बनेंगे, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे होंगे, हर एक को के पोर्टफोलियो में एटलीस्ट $1 million होना चाहिए, इस तरीके का हम विजन लेके चलेंगे। और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक मिलेंगे, ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट नहीं है, यहाँ क्लिक करें, फ्री में अकाउंट ओपन कराएं। और दूसरी बात, तो देखिए यहाँ पर हमारे देश में बहुत क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना। तो आपको बताना चाहता हूँ कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और आज की डेट में भी, अगर कल की डेट में बात करें, 4 लाख प्लस के हमारे मतलब कोरोना के पीड़ित यहाँ पर आते हुए नज़र आए हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए आप जितनी भी जिस तरीके से भी हेल्प कर पाए, किसी भी लोगों की खाने से लेके, ओके, किसी मनी प्रॉब्लम से, मनी से, किसी भी चीज़ से हेल्प कर पाए तो हेल्प करिए। और आप अगर और ज़्यादा हेल्प अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर PM केयर फंड होता है, आपको पता ही है, डोनेशन फॉर COVID-19, ये इनका लिंक है PM केयर का, यहाँ पर क्लिक करें और जाके आप अपनी इच्छा अनुसार या फिर अलग अलग बहुत सारे फंड्स बने हुए हैं, आप जिसमें चाहे आप वहां पर दान दे सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले रिटर्न्स की, जिस शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, वन डे का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1% के रिटर्न दिए, ओके, 3 महीने से ये सुस्त पड़ा है, ओके, और सोया हुआ शेयर एक तरीके से कह सकते हैं कि पड़ा हुआ है और जब भागेगा, ओके, ऑलरेडी भाग गया था, फिर नीचे आ गया, फिर मैंने आपको जब गिरा था तब भी बताया था, ओके, फिर नीचे आ गया है, फिर बता रहा हूँ कि फिर उठाइए। और इसे ही हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है, ऊपर गया बेचा, फिर नीचे आया फिर खरीदा, तो इसे ही स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। इस तरीके से आप करते हो तो आपको इस शेयर ने अगर अच्छे खासे रिटर्न देते हुए नजर आएंगे। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के भी इन्वेस्टर है, आपको स्विंग ट्रेडिंग नहीं आती, आप नहीं करना चाहते, कोई इशू नहीं है। इसके जो आपके रिटर्न देखेंगे 6 महीने में 33, अगर 1 साल की बात करें तो लगभग 145% के रिटर्न, 2 साल में 127, 4 साल में 450% के रिटर्न, 3 साल में 147% के रिटर्न। तो बेहतरीन कंपनी, एक बहुत बड़े ग्रुप से रिलेटेड कंपनी है ये, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जिस चार्ट पैटर्न, एक दिन का परफॉर्मेंस देखिए पॉजिटिव, ओके, जहाँ पर मार्केट गिरी थी वहाँ पर ये पॉजिटिव, बट अगर हम देखते 5 डेज का चार्ट पैटर्न तो गिरावट दिखेगी, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न तो गिरावट दिखेगी, 6 मंथ पहले तो ये क्या कहते हैं 2853 रुपये का ये शेयर चल रहा था, उसके बाद अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो 53% के रिटर्न तो 6 महीने के अंदर दे चुका है। और मैक्सियन चार्ट पैटर्न आपके सामने, बेहतरीन बेहतरीन मतलब बेहतरीन आपको अल्टीमेट रिजल्ट दी है, 2016 से ये कंपनी एग्जिस्ट होती हुई नजर आती है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 50% की डिलीवरीज उठाई गई है, 1,52,879% यहाँ पर शेयर उठाए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 वीक हाई 15 जैन को यहाँ पर 4,483 रुपये पे ये शेयर जाता हुआ हमें मिला था, ओके, अभी भी ये करीब गया था। और बात करूँ तो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि 74% के शेयर प्रमोटर्स के पास है, बाकी FIIs, DIIs, HNIs, पब्लिक के पास तो थोड़े से ही शेयर है। यहाँ पर अगर बात करें डिविडेंड की, कंपनी अच्छा खासा लगभग 30 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है, ओके, और हर साल कंपनी डिविडेंड देती है, कोई भी शेयर गिर भी नहीं है। और बात करूँ यहाँ पर देखिए फिर दोबारा कंपनी ने डिविडेंड शायद देती हुई नज़र आएगी, 21 तारीख को यहाँ पर बोल दिया है कंपनी ने ऑलरेडी, मतलब इसके रिजल्ट आने वाले और रिजल्ट से पहले ही बोल दिया। और कब है इसके रिजल्ट, तो आप देख सकते हैं 4 मई को, 4 मई को इसके रिजल्ट है। और कौन सी कंपनी है उसके बारे में हम रिवील कर देते हैं, बता देते हैं। तो कंपनी का नाम है LTI, लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक। देख के बिल्कुल मत जाना कि नाम देख लिया है और आपको जाना है, ऐसा मत करिए, ओके, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। तो अगर बताएं तो यहाँ पर देखिए LTTS शेयर ये 2500 के आसपास आया था, 2580 के आसपास, बताता तो मैं इसे बहुत टाइम्स पहले से रहा हूँ बट स्टिल अभी 5 दिन पहले आया था ये, इतने पे आप देख सकते हैं।
ओके 2500 रुपये के आसपास ये शेयर चल रहा था, 2588 2550 रुपये के आसपास ये शेयर आया था, आपसे कहा था इन्वेस्ट करिए। ओके और कब की बात है, तीन दिन पहले की ही बात है। और फिर अब अगर बात करें तो 5% मतलब 5% 6% ये शेयर भाग चुका है। ओके और आपको बताना चाहता हूँ ये शेयर भाग चुका है तो अब नंबर है LTI का। क्यों? क्योंकि LTTS के जो रिजल्ट है वो है मंडे को। यहाँ पर आप देख लीजिए LTTS के रिजल्ट 3rd of May मतलब मंडे को रिजल्ट है, और LTI के जो रिजल्ट है ओके वो 4th May को है, और LTTS रिजल्ट से पहले 5% भाग चुका है। और इसकी अगर मैं गुंजाइश बताऊँ आपको तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको ये शेयर बताया था, उसके बाद यहाँ तक जा चुका है ये शेयर, और जब मैंने आपको बताया था उस टाइम 14% के गेन थे और ये 7% के आसपास भाग चुका है, और अभी रिमेनिंग 7% रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7% ओके, तो इतना भागने की इसमें और गुंजाइश है, इतना यहाँ पर देख लिए। और दोनों का चार्ट पैटर्न LTTS और LTI का दोनों का चार्ट पैटर्न लगभग सेम है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर वो शेयर थोड़ा सा भाग चुका है तो ऊपर आ गया है, वरना यहाँ पर अगर वो यहाँ पर मिलाओ ये चार्ट पैटर्न तो सेम आपको नजर आएगा, बिल्कुल सेम चार्ट पैटर्न है। ओके तो यहां पर ये शेयर में गुंजाइश है कितना, 14% अब जाने की पूरी गुंजाइश है और जाता हुआ नजर आएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए रुक जाएंगे तो अच्छा खासा आप पैसा यहां पर छापते हुए नजर आएंगे। और इसके रिजल्ट कब है, इसके रिजल्ट देख लीजिए, यहां पर 4th May को मतलब नेक्स्ट डे ही इसके रिजल्ट है, तो मंडे को ये शेयर 5-6% तो भागता हुआ नजर आएगा ही आएगा। और थोड़ा सा एक दो दिन और रुक जाते हैं तो मुझे तो लगता है कि ये शेयर यहाँ पर आपको 14% के सिंपल गेन देता हुआ नज़र आएगा, जो कि अच्छे खासे रिजल्ट है, और वो भी 2-4 दिन के अंदर अंदर। ओके इसके अलावा और भी हम चीज़ों की बात करें तो लार्सन & टुब्रो इन्फोटेक किस तरीके की कंपनी आपको पता ही है, टाटा से इसे कंपेयर करना चाहूँगा तो कोई गलत नहीं होगा। ओके बस मार्केट कैपिटल का फ़र्क है, बाकी यहाँ पर आप अगर देखें तो ये कंपनी IT से रिलेटेड कंपनी है पहली बात, दूसरी बात ROCE देखिए 40% से कंपनी रिटर्न दे रही है, लगभग लगभग डेट फ्री है। ओके प्लेस की बात करें तो यहाँ पर थोड़े बहुत कोई भी शेयर यहाँ पर प्लेस नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी, यहाँ पर देखिए TCS का जो ROCE है 48 है, और बात करें लार्सन & टुब्रो इन्फोटेक का तो इसका ROCE भी 40% है, तो थोड़ा सा ही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है, अच्छे खासे रिटर्न, बल्कि इसने TCS से ज़्यादा रिटर्न देते हुए नज़र आया है। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया, और सबसे ज़्यादा इस बार के ही मतलब दिसंबर के जो रिजल्ट आए थे उसमें था, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार का जो दिसंबर का प्रॉफिट था वो सबसे ज़्यादा था। तो कम ये शेयर बस भागने की तैयारी में है, याद रखना। अगर नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पर भी अगर देखें तो पिछले 9-10 साल में 419 करोड़ का प्रॉफिट, लगभग 1800 करोड़ मतलब अगर बात करें तो लगभग 4-5 गुना ये पर प्रॉफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर बात करें EPS तो 104 रुपये का EPS है, और अगर और भी रिजर्व्स 6308 करोड़ के रिजर्व्स। बोराइंग की बात करें, अभी इन्होंने बोराइंग बढ़ाई है, 861 करोड़ रुपये की बोराइंग है सितंबर में, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हाँ तो ये बोराइंग इनकी बल्कि थोड़ी सी और बढ़ती हुई हमें नज़र आएगी, और देखते हैं बाकी कोई इशू नहीं है बोराइंग वगैरह से, कंपनी इज़ डूइंग बिजनेस तो कोई इशू नहीं है। इन्वेस्टमेंट लगभग 3000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, कैश की बात करें तो 589 करोड़ रुपये का कैश है, और जो लोगों से इनके पैसे मतलब कंपनी से जो बिजनेस करते हैं वहाँ से जो पैसे आने होते हैं, तो देखिए दिसंबर में भी यहाँ पर आप अगर सितंबर की बात करें 2034 करोड़ रुपये आते हुए हमें दिखाई दिए है। और इसके अलावा और भी चीज़ों की तरफ ध्यान दें तो FIIs 13% मतलब आप देखिए मार्च में इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ओके DIS ने थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी है तो यहाँ पर FIIs ने खरीद ली है, पब्लिक के पास लगभग सेम ही हिस्सेदारी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक के पास। ओके और बात करें प्रमोटर्स का 74% की हिस्सेदारी है, तो अच्छी खासी आपको गेन मिल सकता है वो भी 1-2 दिन के अंदर अंदर, और कोरोना के केसेस आपको पता ही है बढ़ रहे हैं, और तो कोरोना का इस बिजनेस पे इनके बिजनेस पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि IT कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नज़र आती है। तो इसलिए आपको बताना चाहता हूँ ऐसी कंपनी में ही आपको इन्वेस्ट करना है जो IT से रिलेटेड है। ओके IT अब भागने की तैयारी में है और इनके बिजनेस पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका इन्वेस्टमेंट इवन सेफ होता हुआ ही नज़र आएगा। ओके थोड़ा बहुत डिप मिलता है तो बाई और डिप्स करने की कोशिश करिएगा, बाकी बाइंग और सेलिंग से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बाइंग और सेलिंग की अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप संपर्क करिए। ओके खुद की स्टडी करिए, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पर मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।